यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। फिर इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेगा, छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। कोई इस्राएल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्नरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजू जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे तीन पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे उसमें वे तीन पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लोहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो, तो भी उसमें से थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी
जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।